दी, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी नवरात्रि बहुत धूमधाम से अच्छे से मना रहे होंगे। आज मैं माता कालरात्रि के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। माता कालरात्रि की पूजा कैसे करें, उनको क्या भोग चढ़ाएं, साथ ही कुछ नियम कुछ उपाय बताऊंगी आपको, जिसे कर कर आप लोगों का जीवन सुखमय समृद्ध और अच्छा हो जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को कुछ जानकारियां देना चाहती हूं। माता कालरात्रि की कथा कुछ इस प्रकार है। माता कालरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई? जब पूरी दुनिया में सुंभ निसुंभ हाहाकार मचा दिए थे, पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने हाहाकार मचा दिया था, साधु महात्माओं को परेशान कर रहे थे, इंद्र देवता को परेशान कर रहे थे, तब सभी ने इस हाहाकार से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास गए और उन्होंने सभी से अर्चना की कि हे शिव जी, आप हमें इससे मुक्ति दिलाइए। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि तुम इस राक्षस इस दानव से आप सभी की रक्षा करें। तो माता पार्वती ने दुर्गा का रूप लिया और सुम्भ निसुम्भ पर प्रहार किया। लेकिन जब रक्त बीज की बारी आई, जब उन्होंने उसे प्रहार किया, तो उसके रक्त धरती पे गिरने से 10 रक्त बीज पैदा होने लगे, हजारों रक्त बीज पैदा होने लगे। इससे माँ ने सोचा, ऐसे करने से तो कुछ नहीं होगा। तब माँ ने क्या किया, अपने शरीर से धधकती हुई ज्वाला से एक रूप को पैदा किया, वो थी महाकाल रात्रि। बिखरे हुए बाल, गर्द पे सवार खड़क लिए हुए, त्रिशूल लिए हुए, उनके विकराल रूप, ये है महाकाली। कहते हैं महाकाली की इस विकराल रूप की पूजा करने से शत्रु भय का नाश हो जाता है। तब महाविकराल काली माता ने इसका रूप लिया और रक्त बीज का गला काट कर उनके सारे रक्त को अपने मुख पर पान किया। तो इसलिए माता कालरात्रि ही ने सुम निसुम मधु कैटब और रक्त बीज का अंत किया था। माता कालरात्रि के विकराल रूप को पूजा करने से शत्रु भय का नाश होता है। साथ ही आप जैसे कोई भी कोर्ट कचहरी हो या फिर कोई भी काम हो जो आपका रुक रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो आपको माता कालरात्रि को पूर्ण प्रसन्न करना है, उनकी पूर्ण पूजा करनी है। आपको उनकी पूजा कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। उनकी पूजा में आप लोगों को माता को सबसे ज़्यादा गुड़ की बनी हुई चीज़ें प्रिय हैं, गुड़ प्रिय हैं, और इस दिन माता को माता कालरात्रि की पूजा में आपको उड़द से बनी हुई चीज़ भी देनी चाहिए। माता कालरात्रि को दही में मिश्रित शहद का भोग आप लोग ज़रूर दीजिए, साथ ही उन्हें अलग से और शहद एक कटोरी का भोग ज़रूर चढ़ाइए। माता कालरात्रि ऐसी माता है कि एक तो वो विकराल रूप है, लेकिन अपने दाहिने हाथ से वो आशीर्वाद देते हुए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि माता कालरात्रि आप सभी को, जैसे वो विकराल रूप है लेकिन उनका दिल बिल्कुल सौम्य रहता है और सभी को कष्टों से निवारने के लिए वो आशीर्वाद भी देंगी, आपसे प्रसन्न भी होंगी। माता कालरात्रि की पूजा में आपको नींबू की माला ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। माता कालरात्रि की पूजा में पान के पत्ते, पेड़े और बतासे माता कालरात्रि को भोग में ज़रूर अर्पित कीजिए, उन्हें बहुत प्रिय हैं। ऐसा करने से माता कालरात्रि बहुत खुश होंगी, बहुत प्रसन्न होंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दिन लोग संजत भी करते हैं, तो वो उस दिन जैसे कोई सारी नवरात्रि करते हैं तो वो तो घी का ही खाना खाते हैं, अरवा चावल का ही खाना खाते हैं, लेकिन जो कालरात्रि यानी कि अष्टमी एक दिन पहले कालरात्रि की पूजा के दिन आपको संजत करना चाहिए। शुद्ध घी से ही खाना, पका हुआ खाना चाहिए, अरवे चावल खाना चाहिए,
और प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए। अपने शरीर को पूरे शुद्ध करना है, नाखून काट लेना है एक दिन पहले ही, बेड वगैरह सब कुछ आपको एकदम शुद्ध बिछाना है और आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है। महिलाओं को, जेंट्स को, जो भी हैं उनको पूर्ण शुद्ध रहना है। और आपको इन 3 दिनों में भी आप पूजा करेंगे तो माता रानी की आप कृपा ज़रूर पाएंगे। आपको गीले बालों से माता रानी की पूजा नहीं करनी है, सर के बालों से आपका पानी नहीं टपकना है। दुर्गा माता की पूजा जब भी करें सर बांध कर करें, खुले बालों से उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि खुले बाल सिर्फ माता रानी का रहता है। तो आपको ऐसे ही पूजा करनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक नियम बताऊंगी, आपको 2 नींबू लेने हैं, 1 नींबू में आपको 5 लवंग दे देने हैं और उसे अपने सर से उल्टे घुमाकर ऐसे उसार लेना है, आपको 5 बार 7 बार फेर लेना है और उस नींबू को किसी चौराहे में जाकर फेंक देना है। इससे आपके बुरे नज़र नहीं लगेंगे, जिस बच्चे के भी लगे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और जैसे कि आए दिन आप लोगों को नज़र लगते हैं या फिर कोई काम नहीं बनता है, शरीर से नेगेटिविटी दूर होती है, तो ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। और 1 नींबू जो आप चढ़ाते हैं उसे कचरे पे पटक कर फेंक देना चाहिए। इससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी, भूत प्रेत जो भी आते हैं, कहते हैं कि आते हैं, तो वो सारे शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। तो आपको ये नियम ज़रूर करना है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि महाकाल रात्रि विकराल माता हैं, इनकी रूप की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके धन वैभव भी आएंगे। कलयुग यानी काली माता की पूजा करनी चाहिए। ये जागृत माता है, ये बहुत जल्दी सुनती है। हनुमान जी, काली माता, ये दोनों भगवान ऐसे हैं जो आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। अष्टमी, कल सप्तमी है, तो 6:58 में ही आपकी अष्टमी पड़ जाएगी और सुबह 6:58 के बाद पूजा का मुहूर्त है। ये मैंने आपको बता दिया, 6:58 कल शाम को ही अष्टमी पड़ेगी और 6:58 के बाद यानी सुबह आपको पूजा का मुहूर्त है। आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। तो यही थे मेरे कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिए। साथ ही मैं आपसे रोज़ मिलूँगी, अष्टमी माता की पूजा के बारे में बताऊँगी, कन्या पूजन के बारे में बताऊँगी। इन दिनों में आप लोगों को धूप लोबान का अपने घर में धुवन देना चाहिए और जो भी बच्चियाँ आपके घर में हैं, छोटी कन्या हैं, उनका प्लीज़ आप लोग आदरपूर्वक पैर छुएं। इससे गौरी माता प्रसन्न होती हैं, आपको धन वैभव की सुख देगी, सारे काम आपके होने लगेंगे। तो यही थे मेरे कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिए। कल भी मैं आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम, बोलिए जय माता की।